पर पानी नहीं। मैं दिल्ली प्रोविंस से आई थी यहाँ के लोकल की तरफ से कि हर साल क्या 25,000 रुपया यहाँ पर आता है और वो 25,000 रुपया जो है यहाँ पर स्कूल में बिल्कुल भी रिपेयरिंग में नहीं लगाया जाता है। जबकि आप देख सकते हैं कहरा भारना स्कूल की ये हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से टीन जो है उखड़ गया है, टीन जो है पूरी तरह से उखड़ गया है, सीलिंग पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुकी है। और अगर बात हम करें 25,000 रुपये की, तो वो 25,000 कहाँ पर लगाया गया है, हमने इनसे ये भी पूछा था तो मैम ने साफ तौर पर बताया कि हमारी क्लासें जो है डिस्टर्ब होती है, आप क्लास के अंदर नहीं आइए, बिल्कुल हम जो है प्रोटोकॉल के अंदर काम करते हुए बाहर से हमने रिपोर्टिंग की, अंदर से क्लासरूम का क्या कुछ हाल होगा ये सीडीओ साहब या सीओ साहब खुद ही जान सकते हैं, और वो यहाँ पर आकर हमें उम्मीद है कि वो यहाँ पर आएंगे और मुआयना ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन। नाज़रीन आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल तो देखा ही होगा, अक्सर हम आप तक खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहुँचाते रहते हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट लोगों तक एजुकेशन पहुँचाता है, वही एजुकेशन डिपार्टमेंट आज के दौर में मिसबिहेव करने में लगा। मैं इस वक्त कहरा भारनो में हूँ, ये आप देख सकते हैं कहरा भारनो स्कूल में हूँ। जब हमने यहाँ पर विजिट किया, कुछ लोगों की ग्रेवियंसेस थी, कुछ लोगों की कंप्लेंटें थी, तो जब हमने इनको बोला कि हमने सीओ साहब को भी फ़ोन किया, जेडीओ साहब को भी फ़ोन किया, उसके बावजूद भी हमें स्कूल के अंदर नहीं आने दिया गया। हमें बताया गया कि आप हमें परमिशन दिखाइए, जबकि मीडिया जो होती है उसको डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन की परमिशन ऑलरेडी होती है, डीसी साहब को पता पहले ही होता है, उसके बावजूद भी हमसे परमिशन मांगी गई और हम स्कूल के बाहर अंदर नहीं गए। आप देख सकते हैं ये कहरा भारनो का स्कूल है, स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं हम गए, हम इस बरांडे में बैठे, कुर्सियाँ अभी भी यहाँ पर लगी है। और जब हमने जेडीओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी आपकी ग्रेवेंसेज है आप वो देखिए, क्या कुछ लोगों की तरफ से ग्रेवेंसेज है वो देखिए, मगर उसके बावजूद भी हमसे परमिशन मांगी गई। अब हम सीओ डोडा पुरुषोत्तम सर से ज़रूर गुजारिश करेंगे कि वो अपने स्कूल जो उनके हैं उन स्कूलों के ऊपर एक पहले ही इंफॉर्मेशन दिया करें कि आपको मीडिया आने वाली है और आपको किसी भी किस्म का जो ग्रेवेंसेस होती है उसको आप ज़रूर मीडिया में जो है बात करें। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।